चीन की सेना द्वारा लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद से देशवासियों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदौसी के जारही गेट में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए चीन का पुतला फूंका और चीन का सामान न खरीदने की कसम खाई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, इसलिए हम लोगों ने चीन का पुतला फूंका है। साथ ही इन्होंने चीन के सामान का विरोध करने की कसम खाई है। हमने ये जलाया पुतला, हम कोई चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे सैनिक मार दिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सैनिक मारे हमें, और हमारी जो है गवर्नमेंट ताबड़तोड़ बदला लेवे, और कोई सामान हम खरीदेंगे नहीं चीन का। ये हम कसम खाते हैं सब, कोई भी सामान हम चीन का नहीं खरीदेंगे, अपने हिंदुस्तान का खरीदेंगे, हिंदुस्तान का व्यापार बढ़ाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं जो चीन ने जो कायराना हरकत किया हमारे सैनिकों के साथ, भारत हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो इसका करारा जवाब दें, क्योंकि चीन हमारी सरहद को कमजोरी समझ बैठता है। जब चाहे जब हमारी सीमा में घुस के हमारे सैनिकों को भड़काता है। अब ये समय आ गया है, ये समय ऐसा आ गया है कि इस पर हमें एक अच्छी नीति के साथ प्रहार करने चाहिए। हमें बताना चाहिए कि भारतीय सेना किसी हालत में भी कमज़ोर नहीं है, हम हर परिस्थिति में चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चीन समझता है 1962 का ये भारत नहीं है, ये भारत 2020 का भारत है, हर उसमें सक्षम है भारत चीन से लड़ने के लिए। हम अपने सैनिकों की ये कुर्बानी इस तरह से जारी नहीं होने देंगे। हमारी भारतीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो एक अच्छा निर्णय देश हित में लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।